हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं टीचर रोशनी की पाठशाला आज की क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्री बी एड डी एड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का क्लास 15, जिसमें हम देखने वाले हैं 20 छत्तीसगढ़ यानी कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पिछले आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ बी एड और डी एड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से प्ले लिस्ट बनाया गया है। जल्दी से जो है 20 MCQ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर से जो है 20 MCQ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी यदि किसी डिग्री कॉलेज में नियुक्ति हो जाए तो आप पढ़ने हेतु किस प्रकार की पुस्तकों से मदद लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी की जो है स्तरीय पुस्तकों से आप मदद लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर यूजीसी द्वारा जो है प्रसारित कार्यक्रम आप देखते हैं, नहीं देखते हैं या फिर क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, आप हमेशा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके शहर में एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिसकी में जो है आपको कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यशाला में आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कॉलेज से छुट्टी मिल जाएगी तो इस कारण जो है चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और आपके विषय पर एक नवीन पुस्तक निकली है, इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, तो आप जो है स्वयं ही वह पुस्तक खरीद लेंगे, न कि यानी कि विद्यालय के प्राचार्य को कहकर पुस्तक ले आएंगे या फिर कोई विद्यार्थी को बोलेंगे कि पुस्तक ले ले तो मैं पढ़ूँ, ऐसा नहीं, स्वयं ही पुस्तक लेंगे। ठीक है, आपके शहर में एक प्रख्यात प्रोफेसर आए हैं, आप अपने निजी कार्यों में व्यस्त हैं, उन प्रोफेसर का व्याख्यान आपके महाविद्यालय में आयोजित किया गया है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप भाषण सुनना पसंद करेंगे, उससे जो है आपको कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, आपके प्राचार्य आपसे वहाँ जाने के लिए कहते हैं, तो आप वहाँ जो है आप क्या करेंगे, तो आप जो है क्या करेंगे, स्वयं ही वहाँ जाएंगे जिससे कुछ सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास कुछ खाली समय है, ऐसे समय को आप किस प्रकार की गतिविधि में व्यतीत करना चाहेंगे, तो कैसे, शोध पत्र जो है लिखकर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक को शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा जो है अध्यापक पाठ को रोचक बना सकता है। ठीक है, तो विभिन्न विधियों का जो है ज्ञान होना अति आवश्यक है अध्यापक को। नेक्स्ट है, आपके पड़ोस में कुछ व्यक्ति निरक्षर हैं, वह आपके पास आकर जो है पढ़ने का निवेदन करते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आप स्वयं ही उन्हें पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, अनिवार्य वह निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का संबोध किसने किया, किसने दिया, तो किसने दिया था, भारतीय संविधान ने दिया। यदि आप पुस्तक मेले को देखने जाएंगे तो किस प्रकार की पुस्तक खरीदेंगे, तो किस प्रकार की पुस्तक खरीदेंगे, उस विषय की जो आप पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र में एक विज्ञापन निकलता है कि आपके शहर में एक शिक्षाविद व्याख्यान देने आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप उस व्याख्यान को सुनने जो है अवश्य जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके शहर में विभिन्न प्रकार के चलचित्र लगे हुए हैं, आप किस प्रकार के चलचित्र को देखना पसंद करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक चलचित्र को देखना पसंद करेंगे। 1986 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित शिक्षा नीति को किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, इस नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को महत्व क्यों देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन ला सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के द्वारा शिक्षण विधियों में विविधता लाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए, यह बच्चों का ध्यान जो है पढ़ाई में केंद्रित रखती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कक्षा 10 की परीक्षा किस बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली के द्वारा जो है आयोजित की जाती है। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि यह पाठ में विविधता लाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा यानी किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया जाता है, तो किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया जाता है, व्यवसायीकरण पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी राय में जूनियर कक्षाओं में एक कक्षा को एक ही शिक्षक के नियंत्रण में क्यों रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्योंकि यह कोई आवश्यक यानी कि
एक अध्यापक यदि हर समय कक्षा में रहेगा तो वह जो है बच्चों का नियंत्रण रख सकेगा, या फिर बच्चे एक अध्यापक के समक्ष अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे, या अध्यापक बच्चों से अच्छे संबंध स्थापित कर सकेगा। यानी कि आपकी राय क्या है, जब जूनियर कक्षाओं में यानी कि जूनियर कक्षाओं में एक कक्षा को एक ही शिक्षक को नियंत्रित में रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक बच्चों से जो है अच्छे संबंध स्थापित कर सकेगा। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 20 MCQ क्वेश्चन आपने देखा। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सभी को जो है आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।